हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में कांगा सीरीज की अगली कॉमिक्स बम। बम उफ, बम फटने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। इस कौवा लड़की को बचाने के लिए मेरे पास केवल इतना ही समय है, किंतु यदि मैं इस कार में से बाहर निकला तो ये भूखे शिकारी कुत्ते मुझे फाड़ कर रख देंगे। इस समय जो कुछ करना है मुझे ही करना है, केवल मुझे। लेकिन मैं क्या करूं? पता नहीं क्या हुआ कि एकाएक 18 मंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की इस इमारत के आगे पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ने लगी। इंस्पेक्टर स्पीड के नेतृत्व में पुलिस दस्ता लिफ्ट से निकलकर 18वीं मंजिल पर स्थित बैंक ऑफ करोड़पति की ओर लपका था। पलक झपकते ही बैंक को ग्राहकों कर्मचारियों से पूर्णतः खाली करवा लिया गया। न जाने क्या बात है, हरी अप हरी अप। पुलिस की सरगर्मी का कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ, आखिर मुझे बताइए तो बात क्या है। मिस्टर अधिकारी, पहले आप मुझे ये बताइए कि कल और आज मैं यहाँ कितने लॉकर्स खोले होंगे। बैंक के 2000 लॉकर में से करीब 200-250 रोजाना खुलते हैं। मगर किंतु बैंक मैनेजर अधिकारी के बात सुनने के लिए वहाँ रुका कहाँ था इंस्पेक्टर स्पीड। मिस्टर स्वामी, मिस्टर ठाकरे, प्लीज़ आप अपना काम शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, केवल 1.25 घंटे। ओके। दोनों फौजियों के हाथों में अब मेटल डिटेक्टर चमक रहे थे। मेटल डिटेक्टर? मेटल डिटेक्टर से क्या ढूंढ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? बम। बम? जी हाँ, बम। मिस्टर अधिकारी, पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर में आतंकवादी ग्रुप हैंड ग्रेनेड की तबाही व उसके सरगना टाइगर की गिरफ्तारी के विषय में पढ़ा होगा। टाइगर के दाहिने हाथ खूंखार आतंकवादी बकरा ने अपने आपके बैंक के किसी लॉकर में एक टाइम बम फिट कर दिया है, जो ठीक 2 बजे फट जाएगा, जबकि इस समय 12:30 बज रहे हैं। कमिश्नर साहब के आदेशानुसार बम तलाश करके निष्क्रिय कर देने का सारा काम गुपचुप तरीके से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की इस इमारत में इस समय हज़ारों लोग हैं। बम की खबर फैलते ही यहाँ कितनी ज़बरदस्त भगदड़ मचेगी, इसका अनुमान आप सहज ही लगा सकते हैं। लेकिन आखिर बकरा की डिमांड क्या है? अपने सरगना टाइगर की 2 घंटे के भीतर रिहाई। इसी पल दोनों फौजियों ने भी चौंकाने वाली खबर दी। लॉकर्स में बम नहीं है सर, मेरे मेटल डिटेक्टर में ने भी बम होने का कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन बकरा झूठ के बिना पर टाइगर की रिहाई की मांग हरगिज़ नहीं कर सकता। बम इन लॉकर्स में ज़रूर है और बम की खोज का ये काम अब कुत्ते करेंगे, क्योंकि यंत्र एक बार धोखा दे सकते हैं मगर कुत्ते नहीं। SI फूलचंद, हेडक्वार्टर कॉल करके स्निफर डॉग्स बुलाओ और इस फ्लोर को तुरंत खाली करवाओ, लेकिन ध्यान रहे बम की खबर ना फैले। क्विक मूव। काफ़ी देर बाद कुत्तों की आवाज़ों से कौन उठा बैंक का परिसर। वाह वाह वाह, उफ कुत्ते था, लाने में इतनी देर कैसे हो गई, पूरा 1.5 घंटा खराब हो चुका है। मैं क्या करता साहब, रास्ते में ट्रैफिक ही इतना था कि ओके कुत्तों को अपना काम करने के लिए छोड़ दो। विशेष रूप से प्रशिक्षित उन कुत्तों को सूंघ कर बम ढूंढ निकालने की समूची जानकारी थी। एक एक लॉकर को सूंघते हुए बड़ी तेज़ी के साथ आगे गुजरते चले गए कुत्ते, और इस वक्त बम फटने में रह गए थे केवल 5 मिनट। मिस्टर स्वामी और ठाकरे को छोड़कर सब लोग बैंक परिसर को खाली कर दो। क्विक मूव, आप भी जाइए मिस्टर अधिकारी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, यह समय बहस करने का नहीं है मिस्टर अधिकारी, मैं आपके प्राण खतरे में नहीं डाल सकता। इसी पल एक कुत्ता अपने पंजों से खुरचने लगा लॉकर नंबर 100 को। मिल गया, बम वाला लॉकर मिल गया। उत्तेजित सचिव पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड, हरी अप मिस्टर स्वामी, केवल 3 मिनट बचे, बम लॉकर नंबर 100 में है। किंतु जल्दबाजी अथवा हड़बड़ी में काम करने का अक्सर यही परिणाम होता है। उफ, ट्रेल टूट गया। माथे पर पसीना व चेहरे पर दहशत लिए चीख पड़ा स्वामी। ठाकरे, दूसरा ट्रेलर तो जल्दी। बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता, हम 50 सेकंड में बम को लॉकर से निकालकर उसे निष्क्रिय नहीं कर सकते। बैंक परिसर से निकलो। लेकिन बाहर निकलते ही सामने रह गया इंस्पेक्टर स्पीड। उफ, ये क्या, SI फूलचंद अभी तक फ्लोर पूरी तरह से खाली क्यों नहीं हुआ? हम क्या करें साहब, लोग मानते ही नहीं। अब फ्लोर को खाली करवाने का एक ही रास्ता था, इस फ्लोर पर बम है, जान बचाना चाहते हैं तो पूरा फ्लोर खाली कर दो, बम फटने में केवल 30 सेकंड बचे हैं। बम? फिर वही हुआ जिसकी आशंका इंस्पेक्टर स्पीड को थी। हाँ, वो बम फटने वाला है, डैम इट। बम निष्क्रिय करने की सारी योजना विफल हो गई। इसी पल एक ज़बरदस्त धमाके से थर्रा गई वो 18 मंजिला इमारत। बैंक परिसर के ठीक नीचे स्थित थी इंडो केमिकल्स इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री। भागो, छत गिर रही है, ऊपर विस्फोट हुआ है। ऊपर से गिरे आग के शोलों ने कई ज्वलनशील केमिकल्स को भड़का दिया।
इंडो केमिकल्स इंडस्ट्रीज के सामने स्थित जॉनसन इंजीनियरिंग वर्क्स की फैक्ट्री में उस समय मची भगदड़ जब केमिकल्स पर तैरती आग ने भीतर प्रवेश किया। आग उफ! आग की गर्मी पाकर भड़ाम से फटे ज्वलनशील गैस सिलेंडर। आग की लपटों से बचने के लिए जिसका जिधर सीन समाया वो भागता चला गया। भागो भागो आग आग! कहाँ भागे, सीढ़ियों में तो आग व धुआं फैल चुका है, ऊपर छत की तरफ दौड़ो। इसी पल गुल हो गई लाइट भी। ओह, ये लिफ्ट क्यों रुक गई, लगता है बिजली फेल हो गई है। इमारत की 17वीं 18वीं मंजिल भीषण आग की लपटों से घिर गई थी। बचाओ बचाओ! किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा देख रहा था इंस्पेक्टर स्पीड। उफ, छत पर कई लोग फंस गए, उन्हें बचाना होगा, लेकिन सीढ़ियों पर तो आग लगी है और लिफ्ट भी 17वीं और 16वीं मंजिल के बीच फंस गई है। हटो हटो पीछे! फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां टन टन करती हुई वहां जा पहुंची। स्काई लिफ्ट खोलो, जल्दी करो, छत पर कई लोग फंसे हैं। स्काई लिफ्ट 14वीं मंजिल तक ही पहुंच सकी है, अब क्या करें? पानी की धार को भी सीधे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना असंभव है। एक रास्ता है, रास्ता खतरनाक ज़रूर है, मगर फिलहाल इसके अलावा छत पर फंसे लोगों को बचाने का कोई और रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हेलो, कॉलिंग हेडक्वार्टर, कॉलिंग हेडक्वार्टर, इंस्पेक्टर स्पीड स्पीकिंग। यहाँ लगी भीषण आग से बिल्डिंग की छत पर कई लोग फंस गए हैं, मुझे फ़ौरन एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। मैसेज रिसीव्ड इंस्पेक्टर स्पीड, हम अभी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करते हैं। और जब तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा तो मुझे अपनी उस योजना को कार्यान्वित करना है। स्काई लिफ्ट को वापस लो, जल्दी करो, सीढ़ी को आगे ढके लो और इसके आखिरी सिरे पर दूसरी सीढ़ी को नट बोल्टों की मदद से कस दो। हेल्प हेल्प! इंस्पेक्टर स्पीड के आदेश पर स्काई लिफ्ट की लंबी फोल्डिंग सीढ़ी को अलग अलग कर लिया गया। यह इमारत 20 मंजिला है, हमें इस इमारत की 18वीं मंजिल की छत से फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की छत तक एक पुल बिछाना है। सीढ़ी के दूसरे सिरे पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखते हुए सीढ़ी को और आगे रखी लो, वरना ये सीढ़ी सड़क की ओर गिर सकती है। इस दूभर काम को अंजाम देने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पसीने छूट गए, मगर कोशिश कामयाब रही। इंस्पेक्टर स्पीड फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की छत तक पुल बना लेने में सफल रहा। रास्ता खतरनाक, लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहा था इंस्पेक्टर स्पीड, रास्ता खतरनाक है, मगर फिलहाल जिंदगी बचाने के लिए डूबते को तिनके का सहारा समझकर एक एक करके उस पुल पर सावधानी से आगे बढ़िए। रास्ता खतरनाक ही सही, मगर इस समय इंस्पेक्टर स्पीड की दिमाग की ताकत देनी पड़ेगी इसे बनाने के लिए। लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए लोग इंस्पेक्टर स्पीड की चेतावनी को भूलने लगे और उनमें पुल करने की होड़ सी लग गई। आगे बढ़ो, जल्दी करो, पहले मुझे जाने दो, ठहर जाओ, उन्हें दूसरी ओर पहुंचने दो। इंस्पेक्टर स्पीड निरंतर स्थिति को संभालने में जुटा था। मेरी आपसे विनती है, कृपया एक एक करके आइए, अन्यथा ये पुल टूट जाएगा, किंतु मौत सर पर खड़ी हो तो कौन रुक सकता है भला। जल्दी चलो, भीषण आग में छत कभी भी ढह सकती है। वजन अधिक हो जाने के कारण झटके खाता हुआ आपातकालीन पुल एक जगह से नीचे झुकने लगा था। पुल गिर रहा है, पुल गिर रहा है! एक तो दहशत का माहौल, ऊपर से पुल हिलने से लगते जबरदस्त झटके से नीचे गिर गया वह बच्चा। सॉरी। तीव्र गति से सैकड़ों फीट नीचे सड़क की ओर जा रहा था वह बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा पुनीत! उफ, बच्चा नीचे गिर रहा है और पुल भी चरमरा रहा है। जब एक साथ इतने लोग पुल पर चढ़ गए तो ये तो होना ही था। सबकी सांसें जैसे गले में अटकी थीं, दिल बज रहे थे धार धार। मगर कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जगवैरी हुए। कलयुग में चमत्कार होता देख रहे थे सैकड़ों लोग। ये कौन आ गई फरिश्ता बनकर, कोई परी है क्या, कौओं जैसे पंखों वाली उड़ने वाली लड़की, माफलेस। हैरत का भूत इंस्पेक्टर स्पीड की आंखों में भी नाचा। ये तो वही कौआ युक्ति है। एक मुसीबत टली भी ना थी कि इसी पर टूट गया हिचकोले खाता आपातकालीन पुल। सड़क पर खड़ी भीड़ में भगदड़ मच गई। पीछे हट जाओ, सीढ़ी हम पर गिर रही है। लेकिन बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद फरिश्ता बनकर पुनः वहां जा पहुंची। अब कांगा, इन लोगों को भी गिरने से बचाना होगा। सीढ़ी पर लटके लोगों का भार ज़्यादा देर नहीं संभाल पाएगी वह कौआ युक्ति। मुझे फौरन कुछ करना होगा, लेकिन क्या? उसी पल इंस्पेक्टर स्पीड को दोबारा नजर आई आशा की एक किरण। फट 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 फट, हेलीकॉप्टर आ गया, अब वे लोग बच जाएंगे। अब तक
दांत पर दांत जमाए सीढ़ी पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए कांगा उस पर झूलते लोगों को ऊपर खींच चुकी थी। अब छत पर फंसे लोगों की उम्मीद भरी निगाहें चिपक गई थी हेलीकॉप्टर पर। हेलीकॉप्टर, थोड़ा और नीचे लो हेलीकॉप्टर को, अब हम बच जाएंगे। इससे ज़्यादा नीचे लिया तो आग की लपटों का ताप हेलीकॉप्टर को छू सकता है, लेकिन लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर को थोड़ा और नीचे लाना होगा। इस मुसीबत को हल किया कांगा ने। काव काव, इंस्पेक्टर स्पीड की आंखों में कांगा के प्रति प्रशंसा के भाव और गहरे हो गए। इस कौवा युवती की सूझबूझ प्रशंसनीय है, ये ना होती तो इन लोगों का बचना नामुमकिन था। छत पर फंसे लोगों को लेकर रवाना हो गया हेलीकॉप्टर और कांगा आग वाली इमारत की 18वीं मंजिल के खिड़की के टूटे हुए शीशे से भीतर जा पहुंची थी। इस भयानक अग्नि में और भी लोग फंसे हो सकते हैं, मुझे उन्हें इस स्थल से निकालकर तुरंत वापस छत पर पहुंचना होगा। इसी पल चीखों के कई स्वर सुनकर उछल पड़ी कांगा। बचाओ बचाओ, करुण चीखों की आवाज़ उस ओर से आ रही है। लगता है कुछ लोग इधर भी कहीं फंसे हैं। उफ, इस ओर तो दम घोटू बना घना धुआं है, लेकिन इस ओर आग अंदर नहीं फैली। बचाओ, हम लिफ्ट में फंसे हैं, कोई है, आवाज़ें उसके अंदर से आ रही है। मगर यह है क्या? अंदर से निकलता धुआं साबित कर रहा है कि अंदर आग लग सकती है। अपने लंबे नाखून दरवाजे की झिर्री में फंसाकर उसे खोलने की भरसक चेष्टा की उसने। ओह, ये खोल रहा है, बचाओ बचाओ। लेकिन ये क्या, कांगा द्वारा छोड़े जाते ही लिफ्ट का दरवाजा पुनः बंद हो गया। खटाक, ये क्या, ये तो फिर बंद हो गया। कांगा ने पुनः दरवाजे को खोला और इस बार बंद ना हो जाए इसलिए ये युक्ति अपनाई। खटाक, लिफ्ट में फंसे लोगों को दिखाई दी जिंदगी की किरण। हमें बाहर निकालो, काव काव, लाओ अपना हाथ मुझे दो। ना चाहते हुए भी मैं अपनी भाषा में बोल पड़ती हूँ और ये इंसान मुझे अचरज की निगाहों से देखने लगते हैं। सर्वप्रथम उसमें निकाला बच्चे को, और अभी कांगा तीन ही लोगों को निकाल पाई थी कि झटके खाने लगी लिफ्ट। क्लच, जल्दी जल्दी करो, लगता है लिफ्ट टूटने वाली है। और ये सब लिफ्ट की तारें भीषण आग के ताप से तपकर पिघल कर कमज़ोर हो जाने की वजह से हो रहा था। लिफ्ट अपने स्थान से 3 इंच और नीचे खिसक गई, जबकि वह युवती मौत की भय से अब ऊपर हाथ बढ़ाने को तैयार ना थी। जल्दी जल्दी करो, लिफ्ट टूट रही है, अपना हाथ दो। नहीं, अगर लिफ्ट टूट गई तो लिफ्ट और फ्लोर के बीच फंसकर मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। काव काव, कौवा युवती उत्तेजना की अवस्था में कांगा पुल पुनः बोले बिना ना रह सकी थी। लिफ्ट और 1 इंच सरक गई। पागल मत बनो, लिफ्ट टूट गई तो तुम्हारी मौत निश्चित है, हाथ बढ़ाओ, हाथ दो हाथ दो। कांगा ने पुनः अपना हाथ हिलाया और इस बार लड़की ने जैसे ही हाथ ऊपर बढ़ाया कांगा ने झट से उसे दबोचकर ऊपर खींच लिया। इसी पल टूट गए तार, क्रच, जबरदस्त वेग के साथ लिफ्ट नीचे जाने लगी। इधर एकाएक इंस्पेक्टर स्पीड की निगाहें स्थिर हो गई थी पानी की उस ऊंची व विशाल टंकी पर जिससे शहर के उस क्षेत्र को जल आपूर्ति की जाती थी। अगर इस टंकी के पानी का इस्तेमाल किया जाए तो आग बुझाने में सफलता मिल सकती है। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को यह निर्देश जारी किया उसने। उस विशाल टंकी के पानी की कई मोटी धाराएं फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की इमारत की आग पर फेंकी जाने लगी। ये कोशिश ज़रूर कामयाब होनी चाहिए। इधर कांगा के पास अब यही एक रास्ता बचा था, इन्हें एक एक करके इस खतरे से दूर ले जाना होगा। आखिर यह है कौन, ये उड़ कैसे रही है, बेवकूफ ये पूछ के इसके पंख कहाँ से आए। उस क्षण कांगा ने अंतिम उछाल भरी थी जब धड़धड़ाकर गिर पड़ी उस इमारत की ऊपरी दोनों मंजिलें। बाल बाल बचा मैं, इधर निश्चिंतता की सांस भर भी ना पाया था इंस्पेक्टर स्पीड की। हेलो, मुबारक हो इंस्पेक्टर स्पीड, तुमने अनेक लोगों को मरने से बचा लिया। कौन कौन हो तुम? बकरा, आज तो केवल एक इमारत थी इंस्पेक्टर स्पीड, आखिर ऐसी कितनी इमारतों को बचा पाओगे, क्योंकि कल मैं एक और बिल्डिंग में बम फिट करने वाला हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, टाइगर गिरी आई तक मैं हर रोज़ ऐसा ही करता रहूँगा इंस्पेक्टर। और ध्यान रहे, टाइगर को मेरे बताए निश्चित स्थान पर केवल तुम लेकर आओगे। ओके, गुड लक एंड गुड बाय। उसका हुआ लड़की के कारण ही बच सकी इतनी जाने, लेकिन कल नहीं, अब मैं उस शैतान बकरा को मनमर्जी नहीं करने दूंगा। उधर उस इमारत से वापस उड़ान भरती कांगा पर टिकी थी वो 2 खूंखार निगाहें जो कि बकरा की थी। अगले दिन टाइगर की रिहाई की घोषणा से स्तब्ध होता पूरा शहर। खूंखार आतंकवादी टाइगर की रिहाई की घोषणा, खूंखार आतंकवादी टाइगर की रिहाई, उफ। घने जंगलों के बीच बनी थी वह इमारत जो अब खंडहर हो चुकी थी।
यहीं पर पिछले दिनों हैंड ग्रेनेड नामक आतंकवादी दल का सफाया करने के लिए इंस्पेक्टर स्पीड के नेतृत्व में पुलिस दल और आतंकवादियों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। आज उसी खंडहर की ओर दौड़ी जा रही थी इंस्पेक्टर स्पीड की जीप। आखिर बकरा मुझे जेल की तंग कोठरियों से निकालने में सफल हो ही गया ना इंस्पेक्टर स्पीड। टाइगर के स्वागत में नजरें बिछाए बैठा था खड़ा था बकरा। वेलकम वेलकम टाइगर बॉस। ओह बकरा यू आर ग्रेट। तुमने न केवल मुझे ही जेल से आज़ाद करवा दिया बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन इंस्पेक्टर स्पीड को भी यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैंने इसकी मौत का भी शानदार प्रबंध कर रखा है टाइगर, और उसके बाद ये देश छोड़ने के लिए मैंने एक प्राइवेट विमान का भी प्रबंध कर लिया है। गुड। इधर इंस्पेक्टर स्पीड का हाथ पहुंच चुका था अपनी कमीज के बटन तक। कमीज का ये बटन दरअसल 10 फीट तक मार करने वाला एक शक्तिशाली बम है, लेकिन तभी ठटक गया इंस्पेक्टर स्पीड का हाथ। चलो इंस्पेक्टर तो मैं एक और आश्चर्य से मिलवाता हूँ। आश्चर्य? उछल पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड उसे देखकर। कौआ लड़की? क्यों इंस्पेक्टर दंग रह गए ऐसे यहाँ देखकर? ये लड़की कौन है बकरा? ये वही विचित्र लड़की है टाइगर जो कि उड़ भी सकती है। इस लड़की ने भी हमारे काम में हस्तक्षेप करके इस इमारत में फंसे लोगों को बचाया था, जिसकी एवज में अब इसे अपने प्राण मुझे देने होंगे। ये तो मैं कहाँ मिली? जब इसने आग वाली इमारत से अपनी आखिरी उड़ान भरी उस वक्त इस पर जमी थी मेरी निगाहें। बकरा का गेम खराब किया इस लड़की ने, अब इसकी ज़िंदगी पर बकरा का अधिकार हो चुका है। पीछा किया मैंने उसका, ये उस ओर पहुँचेगी क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि ये निरंतर उड़ान नहीं भर सकती। और आधी रात को मैंने कागो को पाया एक बड़े पाइप में, वहाँ से इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोशी की अवस्था में मैं यहाँ ले आया। टाइगर की रिहाई के बाद सोचूंगा कि इसका क्या करना है। इंस्पेक्टर स्पीड हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम चाहो तो इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है। ठीक आधे घंटे बाद बम फट जाएगा। अगर यहाँ मैंने बटन बमों का प्रयोग किया तो ये हमारे मुझ पर और कौआ लड़की पर ढेर हो सकती है। शटर बंद होने के साथ ही वातावरण गूंज उठा कई कुत्तों की गुर्राहटों के स्वर से। ओह ये कुत्ते मुझे छड़बड़ में भमोड़ डालेंगे। एक झटके से उस कार में समा गया इंस्पेक्टर स्पीड। उफ शुक्र है मैं सही समय पर इस कार में आ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? ठीक 25 मिनट बाद बम फट जाएगा, उस कौआ लड़की और इस इमारत के साथ ही ध्वस्त हो जाएगी मेरी भी ज़िंदगी की इमारत। कुछ तो करना ही होगा मुझे, मगर क्या? थाक। कार को स्टार्ट करने की उसकी कोशिशें भी असफल हो गई। अगर ये कार ही स्टार्ट हो जाती तो मैं इसके नीचे कुचल डालता कुत्तों को। अचानक अब पाँचों कुत्तों का केंद्र बिंदु कांगा बन गई। थड़ाक। उफ अगर ये दीवार टूट गई तो ये कुत्ते मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओह इन कुत्तों को एकाएक क्या हुआ? शायद इन्हें कौए लड़की के जिसमें से कौए की गंध मिल रही है, जिससे आकर्षित होकर ये सब उसे नोच डालने के लिए बेचैन। उफ कहीं केबिन की कांच की दीवार टूट गई तो? थड़ाक। सेरन सी दौड़ती चली गई उसके जिस्म में, मुझे कुत्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्लिक बाहर निकलना ही होगा। इंस्पेक्टर स्पीड की ओर दौड़ पड़े थे खूंखार कुत्ते। मेरी जान बचाने के लिए उस मानव ने ऐसा किया है, किंतु मैं इन बंदरों को खोल पाने में असमर्थ हूँ। एक तीव्र झटके के साथ करियर उसके हाथों में झूल गया। भयंकर गुर्राहटों के साथ इंस्पेक्टर स्पीड पर टूट पड़े वे कुत्ते। इस समय एक हल्की सी भी चूक का अर्थ होगा भयानक मौत। अपनी पूरी शक्ति लगाकर एड़ियों पर घूमा इंस्पेक्टर स्पीड था, लेकिन दो कुत्तों ने अपने दांतों में जकड़ लिया कैरियर को। अगर मौत को मुझे मारना ही है तो उसे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगा। भला किसी गति के साथ वापस उछला इंस्पेक्टर स्पीड, उसके साथ ही उछले वे तीन खूंखार। दूसरी ओर से निकलकर इंस्पेक्टर ने खींच लिया वह तिरपाल और उफ समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है। इंस्पेक्टर स्पीड की शक्तिशाली ठोकर से निश्चित रूप से टूट गई होगी उस कुत्ते की पसलियां। थड़ाक। स्प्रिंग की माने तो उछलकर ट्रक पर चढ़ गया इंस्पेक्टर स्पीड। जबरदस्त ढंग से उछलकर ट्रक में पहुंचा वह कुत्ता, जिसकी गर्दन को पकड़ लिया इंस्पेक्टर स्पीड ने, इससे पहले कि इसका दूसरा कोई साथी भी इसी तरह जम करके ऊपर चढ़ जाए। मुझे इसका काम तमाम करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कांगा सीरीज़ की कॉमिक बम के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।